हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मिलन। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स कैसे शॉप करना है डू से इंस्टॉलमेंट पर। आपको मैं पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन 14 प्रो जो है स्टार्टिंग है 180 पर मंथ। ये 128 GB वेरियंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी ख़रीद कर सकते हो, जैसे प्रो मॉडल्स आईफोन का, नॉन प्रो मॉडल्स, फिर सैमसंग का जेड फोल्ड 4, एप्पल एयरपॉड्स, एप्पल वॉच वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डिवाइस में जाना है। तो इसके लिए गाइज आपको पोस्टपेड सिम होना ज़रूरी है, पोस्टपेड सिम, नहीं तो आपके पास 4000 सैलरी का सर्टिफिकेट है फिर भी चलेगा। आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 4000 सैलरी का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको नया पोस्टपेड सिम मिलेगा विथ डाटा प्लान, और आपको डिवाइस मिलेगा। उसका कॉस्ट है 128 GB। आईफोन 14 नॉन प्रो वाला लेंगे तो आपको 142 प्लस आप जो भी डेटा प्लान लेंगे उसका कॉस्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर 5% वैट भी लगेगा। तो आप सबसे चीप वाला जो है 125 वाला डेटा प्लान ले सकते हैं, उसमें 4 GB डेटा मिलेगा हर महीने, और 100 मिनट का इंटरनेशनल कॉल भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 4000 सैलरी है और आपका फ़ोन, आपको आईफोन अभी चाहिए, तो अगर आपके पास 3 महीना या फिर उससे पुराना वाला पोस्टपेड सिम कार्ड है तो, और आपने रेगुलरली बिल पेमेंट करते हुए आया है तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी पेपर के, बिना किसी बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास 3 महीना से ज़्यादा पुराना पोस्टपेड सिम कार्ड है और बिल पेमेंट वगैरह आपने टाइम पे पेमेंट किया हुआ है तो, ठीक है। तो अगर आपके पास 4000 सैलरी भी नहीं है और आपके पास पोस्टपेड पुराना सिम कार्ड भी नहीं है, तो आप नया सिम कार्ड ले सकते हो और 3 महीना तक 4 महीना तक यूज करना है आपको, टाइम पे पेमेंट करना है आपको बिल को, तब आप डिवाइस ले सकते हो उसके बाद में, ठीक है। तो कैसे लेना है मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैंने आईफोन 14 आपको दिखाऊंगा, ये जो 142 पर मंथ दिखा रहे। तो यहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, तो प्रोडक्ट रेट पर क्लिक करेंगे हम, ये जो इन स्टॉक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 142 दिखा रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है ऊपर देख सकते हो 342, क्योंकि इन्होंने 200 वाला प्लान डाल दिया मेरे को, ठीक है। तो हमें 200 वाला प्लान नहीं लेना है, अगर आपका ज़रूरत है तो ले सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको उधर ऑप्शन मिलेगा, और आपके पास डू का पोस्टपेड सिम कार्ड ऑलरेडी 3 मंथ से ओल्डर है, तो यहाँ पर उधर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास 4000 सैलरी है तो ये 200 प्लान के साथ जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर चेंज प्लान करके, ये सबसे सस्ता वाला 250 आ गया, 200 या 125 वाला में सेलेक्ट करके जा सकते हो। इसका जो हो गया टोटल कॉस्ट अभी 142 प्लस 125 इक्वल टू 267 पर मंथ। अगर आपके पास ऑलरेडी पुराना वाला पोस्टपेड सिम कार्ड है तो यहाँ पर उधर ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ पर उधर ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो पोस्टपेड नंबर डालना है, उसके बाद में आपको OTP कोड सेंड हो जाएगा आपका नंबर पे, और OTP कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लिक करके आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करके ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 15-20 मिनट के अंदर में एक मेल आ जाएगा डू के तरफ से, अगर आपका जो आपने जो बिल पेमेंट्स वगैरह टाइम पे पे किया हुआ है तो आपका जो ऑर्डर है अप्रूव हो जाएगा, और हर महीने जो बिल है आपका पोस्टपेड सिम कार्ड के साथ साथ में आएगा,
और आपका फ़ोन डिलीवर हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर। और आपका कुछ गड़बड़ है, बिल पेमेंट करते टाइम में डिले किया हुआ है, तो आपका अप्रूव नहीं होगा, आपका ऑर्डर रिजेक्ट करके मेल आएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।